हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुछ एम जो कि बेस्ड है इंडियन इंग्लिश राइटर्स पे स्पेशली बिकॉज ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल के जो पैटर्न uh, जो चला हुआ है उसमें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जो हमारे मेन मेन राइटर्स है उनसे रिलेटेड इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट क्वेश्चन सावित्री एन एपिक इन ब्लैंक वर्स वाज रिटन बाय हमारे पास ऑप्शंस हैं रविनाथ टैगो रस्किन बॉन्ड तुरुदत्त और श्री अरबिंदो तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी श्री ऑरो इट वॉज रिटर्न बाईविंदो नेक्स्ट क्वेश्चन के एन दरुवाला वॉज द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर तो 1984 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर द कीपर ऑफ द डेड तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द कीपर ऑफ द डेड क्वेश्चन नंबर थ्री ऑथर ऑफ नेक्टर इन सीफ तो नेक्टर इन सीफ के ऑथर हैं ऑप्शन है हमारे पास कमला दास कमला मार्कंडिया, अनिता देसई और अमिताभ घोष सो ने सीफ इज अ वर्क कमला मार्कंडिया तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कमला मार्कंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स वॉज द डेब्यू नॉवल ऑफ The God of Small Things was the debut novel of Arundhati Roy, Arvind Adiga, Amitav Ghosh or Anita Desai. So, it was a very famous novel written by Arundhati Roy. So, our correct answer is Arundhati Roy. Option number A. Next question. In which year Khushwant Singh's Truth, Love and Little Malice appeared? It was a work written by Khushwant Singh. Uh, it was appeared in 1992, 2002. फोर और टू थाउजेंड टू तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा टू थाउजेंड टू ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन कमला मार्कंडिया इज नेम होते हैं उसको ये कहा जाता है तो ऑफ ऑप्शन uh, है यहाँ पे कमला दास अनिता देसाई कमला पुर्णिया तीरो और अरुंधति रॉय सो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कमला पूर्णिया इट वॉज ऑफ कमला पुर्णिया नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर जवाहरलाल नेहरू आर के नारायण और मुल्क राज आनंद सो वी ऑल नो दैट रविन्द्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर गीतांजलि नेक्स्ट इज हुचेबल अनबल इज दॉवेल रिटन बाय मुर्कराज आनंद एंड इसका जो प्रिफेस लिखा था वो लिखा था आपका ई एम फॉस्टर ने तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एम फॉस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन हुट किसने कहा इट वॉज नॉट इंटेंशनल बट समाइम्स थिंग्स आर इंटेंशनल विदाउट बींग इंटेंशनल

अरुंधति रॉय और नीव सो करेक्ट आंसर है सलमान रशीदानीड पी इन द नोवल स्वामी एंड फ्रेंड्स तो स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ नोवल बाई आर के नारायण तो उसमें एक बच्चे का नाम पी था जो uh, जो राजम, uh, राजन मानी सेम्बल एंड स्वामी यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन है तो सही आंसर है हमारे यहाँ पे सैम्बल ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट इज इन विच म्यूजिकल की बात हो रही है कॉल्स हिमसेल्फ अ अट रास्कल क्लॉन ऑप्शन है बैकग्राउंड कैजली नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोम ऑफ देशन और फिलोसफी तो सही आंसर इसका बैकग्राउंड कैजली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ़ वर्क, इन सलमान रशीद नेम से मिड नाइट चिल्ड्रन शेम और ग्रिमस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैटनिक वर्सेस। इसको लिखने के बाद इनपे फतवा जो है वो जारी कर दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज

फैमिली uh, प्लानिंग पे फोकस किया था इन्होंने मालगुड़ी डेज द पेंटर ऑफ साइंस द मैन ऑफ मालगुड़ी और द गाइड तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी द पेंटर ऑफ साइंस नेक्स्ट क्वेश्चन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज अ नोवल बाई अनिता देसई किरण देसाई कमला दास और नन ऑफ सही आंसर है किरण देसाई किरण देसाई जो है अनीता देसाई की डॉटर है ये इनकी नॉवल है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज भी मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सलीम सिनाई इज द नरेटर ऑफ तो मिड नाइट चिल्ड्रन ट्रेन टू पाकिस्तान द गोल्डन हाउस और द ग्राउंड बीनीथ हर फीट तो सलीम सिनाई मिड नाइट चिल्ड्रन में जो है ये नरेटर है मिड नाइट चिल्ड्रन इज अ वर्क बाय सलमान रशीद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क नॉट अ वर्क ऑफ विक्रम सेठ कौन सा वर्क नहीं है ऑप्शन गर्ल इट इज ऑल्सो बाई विक्रम सेठ तो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास ट्रेन टू पाकिस्तान विच इज अ अल रिटन बाय खुशवंत सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम सेठ गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज वर्क कौन से वर्क के लिए मिला था तो इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था फॉर द गोल्डन गेट नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज रिटर्न द बुक एंटाइटल्ड हिंद स्वराज महात्मा गांधी लाला लाजपत राय सरोजनी नायडू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे महात्मा गांधी नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द नोवेल ऑफ आर के नारायण

Next is the cat and Shakespeare was written by. So the cat and Shakespeare was a very famous work by Raja Rao. So our correct answer will option number D, Raja Rao. Next question: What is the nickname of Raju in the guide? So the guide is a novel. तो so, उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है राजू उनके निकनेम की बात की जा रही Option है ऑप्शन है हमारे हमारे यहाँ पास राजू रेलवे राजू राजू गाइड और नन ऑफ तो सही आंसर होता है हमारे यहाँ पे रेलवे राजू जो उसका निकनेम था जो जिस नाम से वो फेमस था पहले वो था रेलवे राजू नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर गिरीश कर्नर डाइड इन

हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में एंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल थैंक यू